टीनेज के अंदर जो एक बच्चे का जो सपने होते हैं, है ना, वो सपना ही मेरा ये था कि मैं जो ना हर सपने के अंदर मुझे लड़ाइयाँ दिखती थी। जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने लाहौर बस यात्रा किया था, तो देश और देशवासियों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। विश्वास पैदा किया अपने दिल के अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और वो विश्वास ही था कि आज मैं आपसे बात भी करूंगा। नई जवान, 2.5 साल की सर्विस थी, 19 साल की उम्र थी, कोई अनुभव नहीं था, सिर्फ किताबों में अभी स्कूल में पढ़ करके आ रहे थे कि यार एक सैनिक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज तो देखने को मिला, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की ताकत थी, शक्ति थी। वहां पर लोग मेरे साथ ही एक एक करके मेरे से जुदा हो रहे थे, मुझे इतना सब कुछ हो गया, मेरे जो है पैर लगा कि पैर कट गया है, मैं खुद फर्स्ट एड करने लगा, तभी फर्स्ट एड कर ही रहा था कि एक और ग्रेनेड का टुकड़ा आया, यहाँ से ये पूरा काट। एक्चुअली में हमारा जो परिवार था वो जो है आर्मी बैकग्राउंड से ही रहा, क्योंकि फादर थे वो भी आर्मी में थे और उन्होंने 71-65 की लड़ाई लड़ी थी, तो वो उनके जो अपने अनुभव थे लड़ाई के, जब वो अपने साथियों के साथ में शेयर किया करते थे, तो शाम को जो हम भी सुनते थे उनसे, तो उसी समय एक जो है मन के अंदर हुआ कि यार मैं भी जो है फौज में जाऊँ और देश के लिए कुछ कर पाऊँ। तो एक उस समय जो उस टीनेज के अंदर जो एक बच्चे का जो सपने होते हैं, है ना, वो सपना ही मेरा ये था कि मैं जो ना हर सपने के अंदर मुझे लड़ाइयाँ दिखती थी और उन लड़ाइयों में जो है लड़ता हुआ देखता रहता था सपने। मेरा भाई फिर फौज में हो गया, मैं जब 11th में था मेरा भाई फौज में हो गया। मैं जब 12th में आया तो भाई जब छुट्टी आया वापस तो उन्होंने बोला कि यार आप भी जो है फौज को देख लो, ट्राई मारो। मैं कहा मैं इंटर कर लेता हूँ उसके बाद में जो है, बोले नहीं इंटर तो चल ही रही है, अभी ट्राई मारो। तो उस समय मेरी उम्र 16 साल 5 महीने की थी, मैं अक्टूबर महीने में जो है फौज की जो भर्ती निकली थी उसमें ट्राई करने के लिए चला गया। ये एक अंदर विश्वास था कि एक बार तू चला गया ना सेलेक्ट हो जाएगा। फादर को नहीं था कि यार नहीं एक बार, ये 2 बार में 3 बार में सेलेक्ट होगा जा करके, लेकिन मेरी माँ को भी जो है विश्वास था कि ये एक बार गया नहीं ये सेलेक्ट हो जाएगा। गया भर्ती करने, फिजिकल दे के आया, फिजिकल में सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद फिर रिटन टेस्ट हुआ, सेलेक्ट। और ये एक ऊपर वाले की जो है एक मेहरबानी रही होगी, क्योंकि वो मेरे सपनों को पूरा करना चाह रहा होगा। मैं भर्ती हुआ तो ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भेज दिया गया। उसकी तो अभी जो है टेंथ में एट्थ में जो है कहानियाँ पढ़ रहे थे, अब्दुल हमीद होशियार सिंह की कहानियाँ पढ़ी, उसी रेजिमेंट में मुझे भेज दिया। तो जो एक सामाजिक वैल्यूज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं एक इंसान को, तो हमारे रेजिमेंट की जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज हमारे अंदर आई तो हम और स्ट्रॉन्ग हुए। और एक साल की ट्रेनिंग लिया, एक ट्रेनिंग लेने के बाद फिर 18 ग्रेनेडियर्स के अंदर जो है पोस्टिंग मिली। उस समय वो कश्मीर वैली के अंदर ही थी यूनिट, वहाँ पहुँचे तो अपने साथियों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वहाँ पे ऐसे टेररिज्म के बरखिलाफ़ कैसे ऑपरेशंस करते हैं हम, कैसे उनको घेरना, कैसे मारना है, क्या करना है, पूरा जो है A to Z वहाँ से बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा अपने साथियों के साथ घुल मिल करके, अपन जो है वो अपना जो डे टू डे लाइफ से वो व्यतीत हो रही थी। अचानक जैसे 1999 आया तो जनवरी और फरवरी 2 माह की मैं छुट्टी का आया हुआ था, तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। उस 2 महीने की मैरिज, 2 महीने की जो छुट्टी थी उसी में मेरी मैरिज पक्की होगी। और जब यहाँ से गया तो 5 मई की मैरिज निर्धारित हुई। मेरे जो कंपनी कमांडर थे मेजर राजेश अधिकारी साहब, उन्होंने मना भी किया था, बोला नहीं यार
एक महीने की छुट्टी चला जाए, फिर नहीं आने के बाद में बोलेगा यार मेरी शादी है, फिर तेरे पास छुट्टी तो होगी नहीं। मैं कहा सर 20 दिन की बहुत है। मैं जाके बोला, मैं कहा सर मेरी शादी है, बोला मैं मना किया था ना एक महीने की चला जाए, अब कौन सी जाएगा। मैं कहा सर 20 दिन की दे देना बहुत है। तो मई में, अभी उसी समय फरवरी के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने लाहौर बस यात्रा किया था, तो देश और देशवासियों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, एक इंसानियत को जिंदा रखने वाला वातावरण बनाता जा रहा था। सभी को लग रहा कि अभी देखो इतने अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध बन रहे हैं तो हम बहुत उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, क्योंकि जब इंसानियत जुड़ेगी तो ताकत बनेगी और ताकत जो है आगे बढ़ाएगी दोनों देशों को। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों के बीच में एक इंसानियत जिंदा रहे, वो इंसानियत को दफन करना चाह रहे थे। उन्होंने उसी मैत्रीपूर्ण वातावरण के अंदर एक षड्यंत्र रच दिया। कारगिल के जो तमाम चौकियाँ थीं जहाँ पर हिंदुस्तान की चौकियाँ हुआ करती थीं, उनके ऊपर सबके कब्जा कर लिया, क्योंकि जो एक 71 में शिमला का समझौता हुआ था उसमें कुछ एक ये नियम बनाए गए कि इतनी ऊंची दुर्गम पहाड़ियां हैं जहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर विंटर के समय में तो और बहुत मुश्किल होता है कि दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में आ जाएंगी। तो हमारी सेना तो एक अनुशासन प्रिय सेना है, हिंदुस्तान की एक वेल डिसिप्लिन्ड सेना है, तो हमने उसी के हिसाब से हमारी फ़ौज नीचे थी, लेकिन उनके अंदर तो कुछ दूसरा ही था, उन्होंने जाकर के हमारे पूरे पोस्टों को कैप्चर कर लिया। एक दिन मुझे स्वप्न दिखाई दिया था कि जैसे कोई हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर के भाग रहा है और हमारे देशवासी जो है उसको, जो सैनिक हैं उनको गोलियां मार रहे हैं, वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, इस तरह का एक स्वप्न दिखाई दिया। तो मैं घर में शेयर किया कि मैं इस तरह का जो है एक स्वप्न दिखाई दिया है, कुछ ना कुछ हुआ। तो सभी बोले यार नहीं, तू कश्मीर में रहता है ना, वहाँ पे गोलियाँ चलाता रहता है, तो इस तरह से तेरे जो वो दिमाग में वही बैठा हुआ वही चीज़ है। लेकिन जब जम्मू पहुँचा तो वो जो स्वप्न दिखाई दिया वो बिल्कुल सच हुआ, क्योंकि जम्मू पहुँचते ही मुझे पता चल गया कि जो मेरी बटालियन जो कश्मीर वैली के अंदर थी उसको वहाँ से उठा करके द्रास सेक्टर में भेज दिया है। और यहाँ पर क्योंकि अनाउंस हुआ कि जो 18 ग्रेनेडियर्स के बंदे हैं वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट जमा करें, उनकी यूनिट वहाँ से मूव करके वहाँ चली गई, उनको बंदों की बहुत ज़्यादा बड़ी आवश्यकता है। पूछताछ किया क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं, वहाँ पे जो ना वो चल रहा है। तो जैसे जैसे जानकारी मिली तो एक मेरा तो जो है दिली सपना था आज वो सच हो रहा था, तो बहुत बड़े मेरे लिए प्राउड की बात थी, एक खुशी की बात थी। मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी कब यूनिट में पहुंचूं, लेकिन दो दिन के बाद मैं जब यूनिट पहुंचा तो यूनिट जो है उस समय द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी। तो उसी दिन बटालियन का मूवमेंट हुआ तो एक हमारा जवान को हेड शूट हुआ था, उसकी डेड बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी। जो एक हमारा फौज में एक संबंध होते हैं, आपसी संबंध इंटर रिलेशन जो होते हैं वो एक परिवार की तरह होते हैं, और परिवार में अगर किसी भी नुमाइंदे को कुछ चोट लगती है तो बाकी के परिवार के सदस्यों का खून खौल उठता है, वो जो लगाव है अपनापन है। अभी जब हमने अपने साथी को देखा इस अवस्था में, अभी हमें लगा कि यार इसका बदला लेना है। तो उसी दिन हम 15 जवान छुट्टी काट करके गए थे, तो हमें एक साथ तो ऊपर भेजा नहीं, तो हमारी दो कंपनियां एक रिस से चढ़ी, दो कंपनियां इस तरफ से चढ़ी ताकि जो मल्टीपल अटैक हो सकें और हम दुश्मन की ताकत को बांट करके आसानी से कब्जा कर सकें, क्योंकि जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे ये था कि टेररिस्ट हैं 4 या 5 जो शुरुआती इन्फॉर्मेशन थी। तो उसी इन्फॉर्मेशन में जो है इधर से चढ़ रही थी, तो इधर वाली जो पार्टियाँ थी दो कंपनियाँ थी उनके पास फाइटिंग पोर्टर्स नहीं थे। तो एक इंसान को कोई भी काम मिले, कोई भी उस काम के ऊपर अगर वो फुल एफर्ट लगाता है, अपनी शरीर की जो आंतरिक शक्ति है उस शक्ति के साथ में उस काम को करता है, तो वो काम बहुत आले दर्जे का होता है और वो काम ही उस इंसान की पहचान बनाता है। मैं कोई ऐसा विशेष शक्ति लेकर के तो पैदा हुआ नहीं, मैं तो आम लोगों की तरह ही आम ही इंसान हूँ, कोई मेरी कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं थी जिस क्वालिटी के आधार के ऊपर मुझे सेना में भर्ती किया गया।
नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा जो है मैं भर्ती हुआ। लेकिन जब वो 15 जवानों को हमें एक काम मिला कि नीचे से ऊपर यार अमनेशन और राशन पानी लेकर के जाना, तो हम सुबह 5:30 बजे चलते थे और रात को 2:30 बजे ऊपर पहुँचते थे, जिसमें दुश्मन की आर्टिलरी फायर कर रही है, मोटर्स फायर आ रही हैं, उनकी गन्स का फायर आ रहा है, मौसम बिल्कुल ख़राब है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें एक लगन लगी हुई थी कि जो ऊपर मेरा साथी बैठा है वो इसलिए फायर कर रहा है क्योंकि हम उसको अमनेशन दे रहे हैं, वो हमारे सीने को सेफ रख रहा है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि उसकी पीठ को सेफ रखें। तो इसी उससे एम से हम जो है 22 दिन तक कंटिन्यू चले, और 22 दिन कंटिन्यू चलने वाले सिर्फ हम 3 जवान ऐसे थे जो लगातार चलते रहे। उन हम 22 दिन के अंदर हम तीनों जवानों की एक पहचान बनी कि ये तीनों जो जवान हैं इनका फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो इनको एक अलग विशेष टुकड़ी के अंदर शामिल किया जाए। तो तुलुलिंग पहाड़ी के ऊपर 22 दिन में बाद 12 जून 1999 को बटालियन ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खो करके 12 जून को पहली सफलता के रूप में तुलुलिंग पहाड़ी प्राप्त करी थी। उसके बाद द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, उसका जो है एक और टास्क हमें मिला। तो बटालियन कमांडर ने बोला कि यार हमें एक और टास्क हिंदुस्तान की फ़ौज ने दिया है और ये हमें मौका है कि हमारे वो जो 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान जो शहादत दी है उनका बदला लेने का हमें एक और मौका मिला है, तो हम उनका बदला लेंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने टाइगर हिल की पूरी प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद सभी को बताया कि इस प्रकार से हमने लड़ाई लड़नी है, ये काम करना है, इस अगर इस प्लान से हम चलेंगे तो हम सक्सेस मिल सकती है। तो उसमें घातक प्लाटून ये सबसे पहले राइट साइड वाला जो रास्ता था बिल्कुल खड़ी चट्टान थी 90 डिग्री की, जिस पे चढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि उधर से दुश्मन बिल्कुल आश्वस्त होकर के बैठा था कि यहाँ से हिंदुस्तान की फ़ौज चढ़ करके हमला हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती है। हमें वही रास्ता चुना गया। फिर उस रास्ते पर चलने के लिए तो ज़रूरी था कि एक तो यंग जवान होने चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, मौसम की मार थी, फिर अगर हम जल्दी से जल्दी उस रास्ते को कवर कर लेंगे तो हमें सक्सेस आसानी से मिल सकती है। फिर अगर हमारे सक्सेस जो अगर हम जल्दी जल्दी उसको एरिया को कवर नहीं करते तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक यंगेस्ट टीम, कुछ पुराने जवान, उनका पूरा मिश्रण करके एक जवान ये टुकड़ी बनी घातक प्लाटून। तो उसी समय हमारे कमीशन होकर के आए थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उसको उस टीम की जो है कमान सौंप दी गई। तो हमें 4-5 दिन का रिहर्सल का समय मिला कि आप किस प्रकार से अपने टास्क को पूरा करेंगे, इसकी जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आखिरकार हमें चढ़ने का आदेश मिल चुका कि आप लोग उस दिन टाइगर हिल के लिए मार्च करेंगे। फिर हमने शुरू किया तो उस पहाड़ी पर, क्योंकि ऊंचाई उसकी 16,500 फीट, रात को चढ़ सकते थे दिन में नहीं। हम पूरी रात चलने के बाद सुबह जैसे ही फर्स्ट लाइट हुआ, उजाला हो गया, तो हमने वहाँ पर पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर थे, उनके पीछे छुप करके चुपचाप बैठे रहे। पूरा दिन उन पत्थरों के पीछे गुजारा। जैसे फिर अगली रात हुई, अंधेरा हुआ, फिर हमने चलना शुरू किया। तो पहाड़ियों के अंदर एक और चीज़ होती है कि पहाड़ी में जब बिल्कुल हम नीचे पहुंच जाते हैं पहाड़ी के, और जब उस पर चढ़ना देखते हैं तो जो पहली वाली टॉप है वो ही लगता है यार यही इसका मेन टॉप है, लेकिन जब उस टॉप पर पहुँचते हैं तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई देती है। तो दूसरी रात जब हम पूरी रात चलने के बाद उस टॉप के नज़दीक पहुँचे तो हमारे डेल्टा कंपनी साथ साथ चल रही थी हमारी सपोर्टिंग के लिए। तो उसके जो कंपनी कमांडर थे कैप्टन सचिन निम्बालकर, उन्होंने बोला यार बलवान यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बोला चलो यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं। जब उस चोटी के ऊपर चढ़े यार ये नहीं है अगले वाली चोटी है, फर्स्ट लाइट होगी थी, सभी ने बोला सर ऐसे करते हैं चाय पीते हैं फिर चलते हैं। बोला नहीं नहीं चाय वहीं पियेंगे जा करके। उस दिन तो पूरा दिन चलते शाम के वक्त यही समय रहा होगा। तो वहाँ पहुँचे, उस टॉप पर पहुँचे तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई दी। फिर सभी ने बोला सर ऐसे करते हैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलते हैं, क्योंकि पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गया चलते हुए। तो अभी हम वहाँ पर बैठ करके अपने वेपन्स को डिप्लॉयड कर ही रहे थे तो सचिन निम्बालकर साहब के साथ जो टीम थी वो आगे के इलाके को थोड़ा सा सर्च करने के लिए चली गई। जैसे वो आगे की तरफ गए तो दुश्मन इतना चौकन्ना था, इतना चालाक था
वो अपने आप को तब तक छुपा करके बैठा हुआ था कि हम जैसे दुश्मन उसके नज़दीक पहुंचे और वो तब फायर खोलता था। तो जो हमारी टीम उनके नज़दीक पहुंची तो उनके ऊपर फायर खोल दी। अब हम डायरेक्ट फायर सपोर्ट भी नहीं दे सकते उनको, क्योंकि अगर ऐसे तरह से करके फायर करते हैं तो हमारे बंदों को ही गोली लगती है। आर्टिलरी का जो है फायर भी नहीं डलवा सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अभी सीओ को फिर इन्फॉर्म किया कि साला ऐसे इस तरह की कहानी हो गई है। फिर उनको मैसेज दिया गया सेट के ऊपर, अब जहाँ पर हो जैसे हो पत्थरों के पीछे चुपचाप छुपक करके बैठे रहो, जैसे अंधेरा होगा आपको निकाल लिया जाएगा। तो लगभग रात को 11:30 बजे के आसपास उस टीम को निकाल करके लेके आए, तो उसमें एक जवान को हाथ में गोली लगी थी, बाकी हमारे तमाम जवान सेफ थे। जैसे टुकड़ी वापस आई तभी एकदम से आदेश मिला कि यार अभी अटैक होगा। तो यहाँ ईश्वर भी एक के बाद एक मौका मुझे देता जा रहा था। एक तो घातक प्लेटून का सदस्य होने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके बाद जब यहाँ से अटैक के लिए चले तो बोला यार तू गाइड होगा अपनी टुकड़ी का, फिर मुझे गाइड के तौर के ऊपर चुन गया। तो एक मेरा नाम राशि दूसरा था, हम दोनों एक दूसरे के गाइड होकर के चलना शुरू किए। पूरी टुकड़ी को लेकर के जब रात भर चलते रहे, सुबह का वक्त था तो एकदम बिल्कुल खड़ी चट्टान जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो वो जवान जो दूसरा मेरे नाम का दूसरा योगेंद्र सिंह यादव था, तो वो काफ़ी हाइट थी उसके, 6 फुट था। मैं बोला यार यहाँ तो ये चढ़ नहीं पाएंगे। बोला नहीं ऐसे कर, तू मेरे कंधे पे पैर रख और ऊपर कहीं रस्सी बांध दे। मैं रस्सी बांधा, रस्सी बांधने के बाद हम एक एक करके चढ़ना शुरू किया। तो उनके दोनों तरफ बंकर्स थे उनके, लेकिन अंधेरे की वजह से तो हमें नहीं दिखाई दी, और शायद उस समय वो सो रहे होंगे बंदे भी। लेकिन जब हमारी आवाज़ हुई पत्थर गिरे ऊपर से, तो शायद उनकी आंखें खुली होंगी और उन्होंने ऐसे फायरिंग खोल दिया। एक बंकर उसका इधर था, एक इधर था, तो इस तरह से ऐसे क्रॉस फायरिंग हुआ, तो हमारी टुकड़ी का रास्ता कटअप हो गया। हम केवल 7 जवान जब तक क्रॉस कर चुके थे, बाकी को फिर किसी को क्रॉस करने ही नहीं दिया उन्होंने। ऊपर पहुंचे तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन सामने 2 बंकर्स, उन्होंने हमारे ऊपर फायर खोला, हमने भी इधर से अंधाधुंध फायरिंग खोला, लेकिन हमने उनको मार गिरा दिया। अब जो हमारा उनका फायरिंग चल रहा था, जो टाइगर हिल का टॉप था 50-60 मीटर रहा होगा, तो 50-60 मीटर दूरी कोई ज़्यादा दूरी नहीं, उन्होंने देखा यार यहाँ तक हिंदुस्तान की फ़ौज पहुँच गई है। इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू किया उन्होंने, हम ऐसी परिस्थिति में आ गए कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, यानी मरना निश्चित हो गया था। सभी ने बोला यार मरना ही तो है, यार मरने से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम मार सकते हैं हम मारेंगे, और ये हमारे देश और हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे सैनिक का जो शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसकी आखिरी सांस क्यों ना बची हो, उसके शरीर की अगर एक भी बूंद बची है शरीर के अंदर, तब भी उसके जो है कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, कभी पीछे की तरफ नहीं बढ़ते। ये हमारी भारत माता की मिट्टी में जन्म लेने वाले हर एक हिंदुस्तानी का जो है उसमें ताकत है। हम आगे की तरफ भागे, आगे की तरफ भागे, उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके मोर्चे से भगाया, फिर उनके मोर्चों से हमने लड़ना शुरू किया। हमें लगभग 5 घंटे हमें हो गए उनके साथ लड़ते लड़ते लड़ते, तो 5 घंटे में धीरे धीरे हमारा अमनेशन तो ख़त्म होना ही था। जब बहुत कम मात्रा में हमारे पास अमनेशन बचा, तो हमने आपस में प्लान किया कि यार अगर हमारे पास अमनेशन ही नहीं होगा तो इस राइफल का हम क्या करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे। अभी जो भी अमनेशन है उसका एक ऐसा उपयोग करेंगे कि अब हम फायर बंद कर देते हैं, ताकि दुश्मन को लगे कि यार ये तो मर गए हैं, ये इनका अमनेशन ख़त्म हो गया, ये बाहर निकल करके आए पत्थरों से, तब हम फायर खोलें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को मार सकते हैं। हमने वो प्लान किया, उनकी जो मोटर्स फायर हुआ, उनकी आर्टिलरी का जब फायर हुआ, अचानक से हमने फायर बंद कर दिया, क्योंकि वो नज़दीक थे, आवाज़ तो हमारी भी सुन रहे थे वो। तो हमने फायर बंद किया, फायर बंद करते ही 15-20 मिनट के बाद जब फायर ने हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, उनको लगा कि यार ये मर गए या इनका अमनेशन ख़त्म। तो 15-20 मिनट के बाद पाकिस्तान के 10-12 जवान थे, वो सिर्फ वो नज़दीक आए देखने के लिए कि यहाँ पर हिंदुस्तान के इस जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे हैं या मर गए। तो हम अलग अलग इस पत्थर के पास, दो उस पत्थर के पास, 3 तरफ हम बैठे हुए थे,
आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन किया था। तो वैसे सामने से जब निकल करके बाहर आए पत्थरों से, एक साथ हमने फायर खोला, उनमें से एक दो बचा होगा, बाकी सबको मार दिया। अब हमारे पास अमनीशन हो गया, हमारे पास वेपन हो गया, फिर हमने उन्हीं का वेपन उन्हीं का अमनीशन लेकर के फायरिंग करना शुरू की। तो जो एक दो जो बचा था उन्होंने जाकर के अपने ऊपर जो कमांडर थे उनको बताया, क्योंकि फायर खोलते ही पता चल गया कि यहाँ पर 8-10 बंदे ही हैं। उन्होंने ऊपर जाकर के बता दिया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8-10 बंदे हैं। तो विद इन 30 मिनट हमें संभलने का मौका नहीं मिला, 30 से 35 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। और हमला इतना ज़बरदस्त, जो भी उनके पास जितने भी वेपन थे सभी वेपन्स का एक साथ फायर खोल दिया। हम जहाँ पर बैठे थे हम सर नहीं उठा सकते थे, जिसने भी सर उठाया उसका सर चला गया। तो काफ़ी देर के बाद जब उन्होंने एकदम फायर बंद किया, फिर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, धीरे धीरे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नज़दीक आने लगे। तो हमने फायर फिर भी फायर नहीं खोला, क्योंकि हमें पता था कि मैं फायर खोलूँगा तो मुझे मेरी लोकेशन जाहिर हो जाएगी और दूर से मुझे बर्बाद कर देगा, तो नज़दीक आएंगे तब मैं फायर खोलूँगा। अब और नज़दीक आते रहे तो हमारे पास एक LMG थी, लाइट मशीन गन, वो उनको नज़दीक से जब नज़दीक आए तो वो उनको नज़र आ गया। जैसे वो नज़र आया तो उनको सीधा उसी के ऊपर RPG का राउंड दाग दिया। वह LMG के जो बैरल थी वो डैमेज हो गई, उसको चलाने वाले जवान थे उनको भी पत्थर लगे आकर के। तो एकदम से वो छोड़ करके ऐसे प्लेटून हवलदार इस तरफ बैठा हुआ था हमारा, एक हवलदार मदन उसकी तरफ भागे। तो उन्होंने बोला, यार मर गए सर, मर गए मर गए। तो वो आज भी उनके वो शब्द मुझे आखिरी शब्द थे आज भी याद, ऐसे गूंजते हैं मेरे दिमाग के अंदर, क्योंकि उस LMG के जस्ट बाएं तरफ मैं बैठा था। मुझे आवाज़ दिया कि योगेंद्र, बोला इस LMG को उठा करके फेंक, बोला दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं है इस वेपन के सिवा, क्योंकि उसकी फायर पावर बहुत ज़्यादा थी। तो नज़दीक नहीं आ रहे थे दुश्मन उससे। जैसे मैं उसको LMG को ऐसे उसको पकड़ा और उसकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो जिस पत्थर से मैं फायर कर रहा उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। मगर सर ये तो नज़दीक आ गए, बोला कहाँ पर ये खड़े हुए। और जैसे ही आवाज़ सुनाई दी सीधा मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका उसने। तो जो मेरा नाम राशि था योगेंद्र यादव, वो पीछे की तरफ लेट करके फायर कर रहा था, तो उसको ग्रेनेड का एक टुकड़ा लगा, यहाँ से उसकी उंगली कटी दूर जा करके पड़ी। वो एकदम से उसको आभास हुआ कि यार मेरा हाथ कट गया, बोला मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ देखा, मगर नहीं यार हाथ नहीं कटा, बोला और मगर उंगली कटी है। उसको फर्स्ट एड दिया, फर्स्ट एड देने के बाद सभी ने बोला, यार ऐसे कर तू अभी फायर तो कर नहीं पाएगा, तू नीचे की तरफ कूद और अपनी कहीं से दाएं बाएं से टुकड़ी को चढ़ाने की कोशिश कर। बोला नहीं नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगा। हम तो बिल्कुल नए जवान थे, 2.5 साल की सर्विस थी, 19 साल की उम्र थी, कोई अनुभव नहीं था, सिर्फ किताबों में अभी स्कूल में पढ़ कर के आ रहे थे कि यार एक सैनिक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज तो देखने को मिल रहा था, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की ये ताकत थी, शक्ति थी। तभी क्योंकि हमारी LMG बिल्कुल साइलेंस होगी, उसकी बैरल डैमेज होगी, अभी दूसरी बैरल उसके ऊपर जो है लगा रहे थे, तब तक एक स्नाइपर थी हमारे पास, तो उस स्नाइपर को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो तीन तरफ से उसके ऊपर फायर आ रहा था। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था गणिडे अनंतराम, जो हम रूममेट थे ट्रेनिंग के, तो हमको एकदम से प्लेटून हवलदार ने बोला कि तुम दौड़ करके उसके पास जाओ। जैसे मैं वहाँ से हरकत किया तो उनको मेरा मूवमेंट दिखाई दिया कि हाँ यहाँ से कोई बंदा यहाँ से गया है, सीधा जैसे उसी मूवमेंट के ऊपर फिर उन्होंने ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का जब एक टुकड़ा आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा, तो जैसे मैं खड़ा था खड़े के खड़े नीचे गिर गया। मुझे ये आभास हुआ कि यार घुटने से पैर कट गया। कुछ देर के बाद एकदम से मैंने ऐसे हाथ मारा तो मगर नहीं पैर तो है, मैं खुद फर्स्ट एड करने लगा। हमें अपने जो है जो भी काम मिला, जो भी काम मिलता है उस काम के अंदर एक अपना मन लगा करके पूरा एफर्ट लगा करके हम अगर उस काम को करते हैं, चाहे हमारे शरीर की शक्ति उसमें पूरी छीण ख़त्म क्यों ना हो जाए, लेकिन आस्था अगर उस काम के प्रति बनी हुई है तो उस शरीर के अंदर ईश्वरीय शक्ति संचारित होती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब वहाँ पर
लोग मेरे साथ ही एक एक करके मेरे से जुदा हो रहे थे। मुझे इतना सब कुछ हो गया, मेरे जो है पैर लगा कि पैर कट गया है। मैं खुद फर्स्ट एड करने लगा, तभी फर्स्ट एड कर ही रहा था कि एक और ग्रेनेड का टुकड़ा आया, यहाँ से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद तो मुझे मेरा चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया। मुझे लगा कि यार आँखें नहीं हैं अभी, क्योंकि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। और जब आँखें खुली तो देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। वहाँ पर उनका स्लीपिंग बैग था, उससे काफ़ी देर तक ब्लड साफ किया लेकिन खून बंद नहीं हुआ। लेकिन जब खून में फिर भी, क्योंकि एक जुनून था अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए कुछ कर गुजरने का, फिर भी मैं आगे बढ़ा, अपने उस साथी के पास गया जिस साथी के लिए मुझे भेजा गया था। तो मैं पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके, ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे, मैं उनको बोला फर्स्ट में, मैं कहा सर आप ऐसे करिए फर्स्ट एड कर दीजिए थोड़ा सा। उन्होंने बोला नहीं 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 ऐसे कर, पहले फायर कर। तो मैं फायर करने लगा, कुछ देर के बाद मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी जैसे निकाली, उसके से पॉलोथिन फाड़ने के लिए यहाँ तक उनका हाथ पहुँचा था, उनको यहाँ पर गोली लगी। और इस तरह से करके पीछे की तरफ लेटते चले गए। मैं हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द भी तो नहीं बोले। मेरी बगल में ऐसे बैठा हुआ था मेरा जो ट्रेनिंग का साथी था, मैं उनको बोला यार अनंतराम सर को तो गोली लगी है क्या? बस वही शब्द बोल पाया। उसको आकर के सीने में ब्रश लगा, वो भी आकर के मेरी तरफ लेट गया। प्लेटून हवलदार को बोला सर दोनों बंदों की गोली लगी है, कैसे हैं? दोनों के दोनों सब शहीद हो गए। बस इतना ही मैं बोल पाया, तभी आकर के इस तरह से हमको घेर लिया। और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर कि एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म। जिन साथियों से एक पल पहले मैं बात कर रहा था, अभी कोई नहीं बात करने वाला। उनको भी लगा कि यार इनमें सब ये मारे जा चुके हैं। तो उनके कमांडर ने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। तो आकर के एक एक को गोलियां मारने लगे। तो एक डेड बॉडी मेरी ठीक सामने थी, एक मेरी बगल में थी मेरे साथी की, मैं इस तरह से पड़ा हुआ था। तो बेहोश था लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं, उनको सुन ना सकूं, देख सकता था सुन सकता था। जब उसने सामने वाले को जो है उसके सीने में आकर के तीन तीन चार चार राउंड की जो है ब्रस्ट खींचे, तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऐसे ऊपर की तरफ, तो बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा हुआ चुपचाप पड़ा था अपने आप। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर मारी मेरे गोलियाँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। फिर उसने जांग में मारी, फिर नीचे पैर में मारी, तीन जगह गोली मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। जब वो गोली मार करके चला गया तो जब एक विश्वास पैदा किया अपने दिल के अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। और वो विश्वास ही था कि आज मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। तभी उनको तो यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर उनके कमांडर ने, जो पाकिस्तान का एक था उनका कमांडर था, उन्होंने हमारे एक नीचे पोस्ट था MMG पोस्ट, उन्होंने उनका बेस कैंप था टाइगर हिल की बगल में, मस्को वैली था, उसको मैसेज दिया कि यार नीचे जो हिंदुस्तान का MMG पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। जब ये आवाज़ मेरे कानों तक लगी तो मुझे लगा यार आज तो मेरी पूरी टुकड़ी ख़त्म हो जाएगी। ऊपर इनका पोस्ट है, नीचे अगर इन्होंने हमला कर दिया, बीच वाले मेरे साथी कहाँ जाएंगे? तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। अगर निस्वार्थ भाव है, सच्ची श्रद्धा है, तो ईश्वर शक्ति भी साथ देती है। सभी के पास एक आंतरिक शक्ति है, जो इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसके पास एक ताकत है। बस उस ताकत को पहचानने की, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है। अगर एक इंसान अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लेता है, एक डिटर्मिनेशन कर लेता है कि मुझे ये करना है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है। और मोटिवेशन तो वो ताकत होती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी काम को पूरा करने के लिए वो हमेशा प्रेरित करती रहती है। और मोटिवेशनल, इससे बड़ा और मोटिवेशनल हो ही नहीं सकता कि हम तो ऐसी पावन मिट्टी, हिंदुस्तान की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जो वीर और वीरांगनाओं ने अपने खून से संचित सींचा है इसको, ऋषि मुनियों की मिट्टी है ये, इससे बड़ी और ताकत, इससे बड़ा और मोटिवेशनल हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। आत्मविश्वास और एक दृढ़ता ये थी कि जो मैं ये सोच रहा था कि यार मेरी आखिरी सांस तक
मैं इस ज़मीन को नहीं छोड़ूंगा। 3 बार गोलियां मारी उसने, लास्ट उसने सीने पे भी गोली मारी। लेकिन जो अपने आप का जो समर्पण होता है, अपना समर्पण किसी चीज़ के लिए कर दीजिए, तो जो समर्पण का जो भाव होता है वो आत्मा से परमात्मा का जुड़ जाता है और वो फिर आपको ताकत देता है, वो आपको मरने ही नहीं देगा। तो शायद उसने जब गोली मारी तो यहाँ पर पर्स था, पर्स में भी गिलट के 5-5 रुपए के सिक्के और वो भी इकट्ठे कर दिए परमात्मा ने। लेकिन उस गोली के धक्के से तो मुझे आभास हुआ कि यार मैं मर गया हूँ। गोली तो अंदर नहीं गई लेकिन रिकोचिट हो गई, लेकिन आभास हो गया कि यार मैं मर गया हूँ। उन्होंने जो पाकिस्तान के जो जवान थे उन्होंने हमारे साथ जो अमानवीय क्रूरताएँ की, जैसे बूट की ठोकरें मारना हमारी डेड बॉडियों के अंदर, हमें गालियां देना, बहुत कुछ उन्होंने किया। फिर लास्ट में उनके कमांडर ने बोला इनके वेपन उठा लो, तो उनके एक जवान आया दोबारा से जो है गोली मार रहा है, दूसरा वेपन उठा रहा है। फिर उसने वेपन जब उठाया तो यहाँ मेरी AK-47 ऐसे पड़ी हुई थी, उठा करके जब वापस मुड़ा तो मुझे अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जिंदा भी हूँ। लेकिन जब उसका पैर मेरे पैर से शायद टकराया तो मुझे एकदम से लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब एक ताकत अंदर से एकदम से आवाज़ आई कि अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा था, मैंने अपने धीरे से अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया, तो कोट के अंदर जो हुड लगा हुआ था हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिर गया। जब वहाँ पे गिरा तो उसको लगा कि यार कुछ गिरा है, उसने पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। ग्रेनेड की फटते ही जो पाकिस्तान के दूसरे जवान थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई है, क्योंकि जिसने 3 बार गोलियां मारी हो कौन कह सकता है कि जिंदा होगा। वो एक मौका था मेरे पास कि मैं अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए कुछ विशेष कर गुजर जाऊं। मैं तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी क्योंकि उसका पूरा सर उड़ गया और हमारे ऊपर आकर के गिरा पाकिस्तान का वो जवान। मैं उसकी राइफल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहाँ से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला, 3-4 बंदे और उनके मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि यार हाँ नीचे से रीइन्फोर्समेंट आ गई है। फिर उनके हौसले परस्त हो गए, वो पैर उखड़ गए उनके और वहाँ से उनको भगा दिया। 3-4 मीटर तक रेंगता हुआ आगे गया तो देखता हूँ आगे जाने के बाद उनके सामने टेंट लगे हुए हैं, लंगर चल रहा है, उनके वेपन वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। क्योंकि मुझे इतनी भी समझ थी कि अभी मेरे हमारी टीम के बाद दूसरी टीम आएगी अटैक के लिए, अगर उस टीम को जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ तो शायद उनकी कैजुअल्टी कम होगी। वो सब कुछ देखा और फिर एक पागलपन भी था, पागलपन था अपने साथियों को बचाने का कि मुझे नीचे जाना है, किसी भी हालत में नीचे पहुंचना है ताकि उनको सूचना दे दूं, उनके ऊपर हमला होने से पहले वो चौकन्ने हो जाएं, अपने आप को वहाँ पे बिल्डअप कर सकें। फिर मैं वापस मुड़ा, वापस मुड़ करके जब अपने साथियों के पास पहुंचा तो एकदम से लगा कि हो सकता है इनमें से कोई मेरा साथी जिंदा होगा। आकर के देखा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर निकला हुआ था, किसी के पूरे फेफड़े बाहर निकले हुए थे। एक एक को गोद में रख करके सिर को बहुत देर बैठ करके रोता रहा, बहुत देर बैठ करके रोया और रोते रोते फिर अपने आप को संभाला। मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि किधर हिंदुस्तान है किधर पाकिस्तान है, क्योंकि 2.5 साल की सर्विस थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। बहुत देर संभालते रहे लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब गोली लगी हुई बहुत टाइम हो गया था, शरीर के अंदर कंपन भी पैदा हो गई, ये लटक गया था टूट करके हाथ, इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा लेकिन ये बंद भी नहीं पा रहा था। ये सोचा कि यार कट गया, इसको तोड़ करके ही फेंक देता हूँ इससे अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। इसको हाथ में झटका मारा, तोड़ने की भी कोशिश करी लेकिन टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे बेल्ट में फंसाया कमर पे गिर के, फिर सोचता रहा कैसे करूँ क्या करूँ। तो एकदम से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले से लुढ़क गया। वो लुढ़क करके जब नीचे पहुंचा तो एकदम ऐसे गड्ढा आ गया था, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। तो मैं देखा तो मुझे मेरे साथी नज़र आए, उनको मैंने आवाज़ दिया तो वहाँ से दौड़ करके आए, उन्होंने देखा कंडीशन की बचेगा नहीं।
मैं उनको बोला कि यार मुझे कुछ नहीं होगा, सर पोस्ट को बचा लो कैसे करके। ये दिन के 1-1.5 बजे का समय था, बिल्कुल मौसम साफ, धूप खिली हुई थी। सीओ को इन्फॉर्म किया गया कि सर इस तरह की कहानी हुई है। सीओ ने बोला इस लड़के को जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाओ। तो फर्स्ट एड तो दिया, सीओ के पास पहुंचा तो इतना खून ब्लड निकल चुका था कि मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। सीओ ने बोला बेटा कुछ पहचानता है? मगर साहब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है सर। तो उन्होंने ये अपना स्टोव जलवाए, टेंट के अंदर लिटा करके, थोड़ी गर्मी महसूस हुई। तो अभी धीरे धीरे जो जबान भी ऐंठने लगी थी बारूद की वजह से, मगर साहब पानी पिला दो। तो एकदम डॉक्टर साहब दौड़ करके आए, उन्होंने बोला बेटा मैं पानी पिलाता हूँ। तो उन्होंने एक ग्लूकोज की पूरी बोतल पिलाई, शरीर के अंदर थोड़ी सी और एनर्जी महसूस हुई। तो बोले बेटे बता सकता है? मैं कहाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम इन्फॉर्मेशन उनको दिया। तो लास्ट में बोले बेटा ये बता जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा जवान की रिक्वायरमेंट अमनीशन और फील्ड पट्टी की, बाकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए? एक बड्डी पेर के अंदर 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था, सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। मैं कहा सर भूख ही नहीं लगती। अभी मैं 26 जनवरी पे हर साल जो है अपनी परेड को लीड करते हैं हम, एज ए परमवीर चक्र, सारे जो इतने भी हैं आज भारत के अंदर 3 ही परमवीर चक्र हैं जो जीवित हैं, और तीनों के तीनों जो है परेड को लीड करते हैं। जो कल का भारत है वो युवा भारत है, और युवा भारत वो भारत की ताकत है, और वो ताकत जिस दिशा में भी बढ़ेगी हमारा देश उस दिशा में ही बढ़ेगा। उस देश की दशा और दिशा को बढ़ाने में जो हमारी युवा ताकत है उसका बहुत बड़ा योगदान है। हम ऐसा भारत, हम ऐसा कल भारत, जो कल का भारत हम ऐसा देखना चाहते हैं कि जो हमारा युवा है उसके जो अंदर एक स्ट्रांगता होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए अपने देश के लिए, अपने कार्य के लिए। जो भी हम काम करें, ज़रूरी नहीं कि सेना में राइफल लेकर के बॉर्डर पे खड़ा होकर के ही राष्ट्रभक्ति होती है। ज़रूरी है कि जिस हम क्षेत्र में काम करते हैं, हर एक क्षेत्र एक युद्ध की तरह होता है, हर एक काम एक युद्ध की तरह होता है, और युद्ध में जीत उस सैनिक की होती है, उस योद्धा की होती है जो उस युद्ध को बखूबी समझ करके उसके पहलुओं को रिसर्च करे, उसके ऊपर गहराइयों को सोचे, उसकी कमजोरियों को पता करे, और उन कमजोरियों के ऊपर हम वार करेंगे तो हम आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी किसी भी सेक्टर में रह करके जो हमारा एक युद्ध चलता है, एक सुबह हम सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक डेली का जो एक युद्ध क्षेत्र है, ये इस युद्ध क्षेत्र में हम जीत कैसे हासिल कर रहे हैं। मैं अपने युवा को बताना चाहूँ कि वो युवा वो देखे कि मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ उसमें अपना बेनिफिट नहीं, मेरा देश का बेनिफिट क्या है, मेरे देशवासियों का जो है बेनिफिट क्या है। क्योंकि हम दूसरों के लिए समर्पण की भावना हमारे यूथ में होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि जो अपने लिए समर्पण होता है वो स्वार्थ आ जाती है, स्वार्थ। और हिंदुस्तान का युवा हमेशा निस्वार्थ होना चाहिए। मैं ऐसे कल के भारत का जो है निर्माण चाहता हूँ, मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ कि हर एक युवा जिसमें निस्वार्थता, त्याग, उसमें एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, भरा हुआ हो, उसमें राष्ट्रभक्ति हो, अपने प्रेम, एक राष्ट्र का प्रति प्रेम हो। क्योंकि प्रेम बहुत बड़ी ताकत होती है जो इंसानों को एक साथ जोड़ती है, और एक उस जोड़ से एक बहुत महान शक्ति बनती है जहां हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा भारत चाहिए, ऐसा युवा चाहिए मुझे भारत का। सेल्फलेस इंडिया, टुमारोज इंडिया, टुमारोज इंडिया, लेट्स स्टार्ट विद आई।